नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्ज़ाम के एप्लीकेशन पर और लास्ट एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी थर्ड क्लास है जो आज हम कोडिंग एंड डिकोडिंग की करने वाले हैं। पहली क्लास में हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग के बिल्कुल बेसिक के बारे में, जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, वो समझा था। सेकेंड पार्ट में, जो सेकेंड क्लास थी, उसमें हमने फॉरवर्ड कोडिंग क्या होती है, फॉरवर्ड आपकी कोडिंग क्या होती है, उसके बारे में समझा था। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्रॉस कोडिंग और अपोजिट कोडिंग। ये मैंने आपको बताया था कि जो कोडिंग है उसके आपके पांच जो हैं टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है आपका फॉरवर्ड कोडिंग, दूसरा होता है क्रॉस कोडिंग, तीसरा आपका है अपोजिट कोडिंग, चौथा आपका है नंबर कोडिंग, और फिर कुछ मिक्सर टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो हम करने वाले हैं। तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को समझ के चलेंगे। फॉरवर्ड जो कोडिंग है वो कल हमने कर ली थी कंप्लीट, उसमें 13-14 क्वेश्चंस हमने एक ही टाइप में आपको करवाए थे। और आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्रॉस कोडिंग के बारे में और अपोजिट कोडिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए आपकी फॉरवर्ड कोडिंग है वो क्या होती थी। सबसे पहला आपका जो टाइप था वो था आपका फॉरवर्ड कोडिंग। फॉरवर्ड कोडिंग, इसमें क्या किया जाता था, मान लीजिए आपके पास में कोई भी अक्षर या शब्द है वो दिया गया है और उसका कोडिंग दूसरे शब्द में किया गया है, तो इसमें क्या होता था, यहाँ पे आपकी जो कोडिंग है वो प्लस वन, यहाँ पे आपकी कोडिंग है वो प्लस वन, प्लस वन, प्लस वन, इस तरीके से आपकी जो कोडिंग है वो फॉरवर्ड कंडीशन में चलती थी। और इसी में आपका जो दूसरा टाइप है वो क्या होता था, मान लीजिए अपने पास में कोई भी वर्ड दिया गया है, ठीक है दोस्तों, आराम से समझो बिल्कुल, क्योंकि ये जो रीजनिंग है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फुल में से फुल नंबर दिला सकता है। तो दूसरा शब्द हमारे पास क्या है, कोई शब्द है और इसका कोडिंग किसी दूसरे शब्द में किया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों किस तरीके से आपको ये कोडिंग दे सकता है, यहाँ पे आपको दे सकता है माइनस वन का कोडिंग, फिर ये बढ़ता जाता है माइनस टू का कोडिंग, फिर ये आगे जा सकता है माइनस थ्री का कोडिंग, यहाँ पे क्या हो सकता है माइनस फोर का कोडिंग, इस तरीके से भी जो कोडिंग है वो आपको दिया जा सकता है। उसके बाद इसमें और भी प्रकार हैं, जैसे कि पहले आपको प्लस वन, फिर प्लस वन दे दे, फिर आपको माइनस टू दे दे, इस प्रकार की कोडिंग है वो दी जा सकती है। आगे आपको बारी बारी से भी दे सकता है प्लस वन, फिर आपको माइनस वन, फिर प्लस वन, फिर आपको माइनस वन, इस प्रकार की जो कोडिंग है आप इसमें आपको दी जा सकती है। अब दूसरी जो कोडिंग है उसकी बात कर लेते हैं। दूसरी आती है दोस्तों आपकी, दूसरी जो कोडिंग है वो आपकी आती है, दूसरी कोडिंग आपकी आती है दोस्तों यहाँ पे क्रॉस कोडिंग, क्रॉस कोडिंग। अब क्रॉस कोडिंग क्या होता है, इस वर्ड से आपको पता लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं कोड के अंदर क्रॉसिंग का साइन आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी आपकी चार से पांच टाइप होते हैं, किस किस प्रकार से, मान लीजिए आपको कोई भी वर्ड दिया गया है, कोई भी वर्ड आपको दिया गया है और नीचे किसी भी वर्ड में उसको कोड किया गया है, तो आप किस प्रकार से इस क्रॉस कोडिंग का उपयोग है वो कर सकते हैं, कैसे, बिल्कुल ध्यान से समझो, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल के साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्रॉस कोडिंग में ऐसा हो सकता है कि पहले वाले की जो कोडिंग है वो लास्ट अक्षर के साथ की गई हो, दूसरे वाले की जो कोडिंग है वो सेकंड लास्ट अक्षर के साथ की गई हो, तीसरे वाले की कोडिंग बिल्कुल सेम रखी गई हो, चौथे वाले की कोडिंग सेकंड के साथ में की गई हो और जो लास्ट वाला है उसकी कोडिंग आपकी पहले वाले के साथ की गई हो। और इसमें भी जो आपकी कोडिंग है उसके प्रकार कैसे हो सकते हैं, ये आपको माइनस वन पे कोड कर सकता है, ये आपको प्लस वन पे कोड कर सकता है, ये आपको माइनस वन, फिर प्लस वन, फिर माइनस वन, फिर प्लस वन, इस प्रकार से भी कोड कर सकता है। इसमें जो दूसरा टाइप है, इसमें पहला टाइप आपका ये हो जाता है, इसका जो दूसरा टाइप है वो दोस्तों क्या रहेगा, इसका दूसरा टाइप देख लेते हैं, दूसरा टाइप देखे क्या रहेगा, इसमें इसी प्रकार से आपको कुछ वर्ड हैं वो दिए जा सकते हैं,
इसमें कुछ वर्ड हैं वो दिए जा सकते हैं और उसको किसी भी अन्य वर्ड में कोड किया जा सकता है, किसी भी अन्य वर्ड में कोड किया जा सकता है। तो इसमें किस प्रकार की कोडिंग हो सकती है? इसमें दोस्तों अगर फर्स्ट को इधर सेकंड में चेंज किया जाए और सेकंड को इधर फर्स्ट में चेंज किया जाए, इसी प्रकार लास्ट के लास्ट को सेकंड लास्ट में चेंज किया जाए और सेकंड लास्ट को इधर लास्ट में चेंज किया जाए और जो बीच वाला है वो बिल्कुल सेम या फिर सीधा कोड किया जाए, इसमें भी आपकी दो प्रकार से कोडिंग रह सकती है। किस प्रकार से? क्या तो यहाँ पे जैसे माइनस वन कर दे, यहाँ आपका प्लस वन कर दे, यहाँ आपका प्लस वन कर दे, अगर इधर माइनस वन कर दे। माइनस वन और प्लस वन से केवल आप इतना मत समझना कि आपको वन ही करवा सकता है, टू भी करवा सकता है, थ्री भी करवा सकता है, फोर फाइव कुछ भी करवा सकता है, लेकिन जो कोड है वो आपको पहचानना पड़ेगा। इस अक्षर में क्या होगा, इसमें आपको बिल्कुल सेम है वो भी रख सकता है, इसका जो विपरीत है वो भी आपको दे सकता है और यहाँ पे भी प्लस और माइनस ये भी आपको दे सकता है। तो इस प्रकार से जो आपका कोड है वो भी बन सकता है। अब इसमें तीसरा जो टाइप है वो किस प्रकार से रहेगा, तीसरे टाइप को देख लेते हैं। तीसरे टाइप को देखें, तीसरा जो इसमें टाइप है वो दोस्तों आपका पहला कैसे होगा, पहले को लास्ट में चेंज करा, दूसरा कैसे होगा, ये आपका पहले को दूसरे में चेंज करा, और जो आपका तीसरा टाइप है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें आपको जैसे कोई भी वर्ड दिया गया है, मान लीजिए कोई भी ये वर्ड आपको दिया गया है जिसमें चार अक्षरों का कोडिंग है, तो यहाँ पे पहले को लास्ट में चेंज किया जा सकता है, लास्ट वाले को पहले वाले में चेंज किया जा सकता है और ये जो बीच वाले हैं इनको बिल्कुल सीधे रखा जा सकता है। एक और टाइप है वो किस प्रकार से है, ये आपका चौथा पार्ट है, इसको भी एक बार देख लेते हैं किस प्रकार से आपका ये रहेगा। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें आपको मान लीजिए इस तरीके से कोड किया गया है, मान लीजिए इसको इस तरीके से कोड किया गया है और इसमें अक्षरों की संख्या है वो पाँच है, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा कि आपको जैसे ही कोई अन्य कोड देगा जिसमें आपको बदलना है, तो इसमें पहले वाले को सेम रख सकता है, तीसरे वाले को सेम रख सकता है और पांचवे वाले को सेम रख सकता है, इस तरीके से बिल्कुल सेम रख सकता है। और जो आपका दूसरा वाला है इसको चौथे में चेंज करेगा और जो आपका चौथा वाला है इसको दूसरे वाले में चेंज करेगा। तो इस प्रकार से ये चार से पांच टाइप होते हैं वो आपकी क्रॉस कोडिंग के अंतर्गत आते हैं। अब क्रॉस कोडिंग का दूसरा भाग देखते हैं, उसमें आपके लिए क्या लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें हैं वो आप नोट कर लीजिए, जिस भी बच्चे को नोट करना है नोट कर लीजिए, जिस भी बच्चे को ये नोट करना है। अगला टाइप इसका देखते हैं, क्रॉस कोडिंग का सेकंड पार्ट है, उसमें क्या आता है। क्रॉस कोडिंग के अगर सेकंड पार्ट की बात करें, क्रॉस कोडिंग के अगर सेकंड पार्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या होगा, सेकंड पार्ट में क्या होगा दोस्तों, आपसे एक कोड दिया जा सकता है। किस प्रकार का कोड, मान लीजिए कि ए बी सी डी ई और एफ लिखा गया है, ए से और एफ तक आपको लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है कि उल्टे क्रम में इनको लिख दिया जाए, सेम बिल्कुल सेम उल्टे क्रम में आपको लिख दिया जाए। किस तरीके से, ये यहाँ पे आ गया, 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 ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। ये आपकी कोडिंग का ही प्रकार है, लेकिन इसमें आपके लिए कोई भी जैसे प्लस वन प्लस टू इस प्रकार का कोई भी कोड नहीं है, केवल अक्षरों को बिल्कुल सेम लिखा गया है। तो ये एक टाइप है जो आपकी क्रॉस कोडिंग के अंतर्गत आ जाता है। देखो क्रॉस कोडिंग के अंतर्गत क्यों आएगा, क्योंकि इसमें आपका क्रॉसिंग है वो बन रहा है, क्रॉसिंग है वो आपका बन रहा है। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम अपोजिट जो कोडिंग है उसको भी समझेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में किस प्रकार से आपकी जो कोडिंग है वो लगने वाली है। यहाँ पे क्या बताया गया है दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे आपका बताया गया है कि पी ओ आई एन टी पॉइंट को क्या लिखा गया है, यू ओ जे पी क्यू
आपके पॉइंट को कोड किया गया है यू ओ जे पी क्यू। आपको इसमें बताना है किस प्रकार से जो कोडिंग है वो क्रॉस कोडिंग आपकी लगेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे दो तरीके हैं, क्या तो आप देखते ही पहचान लीजिए कि किस तरीके से ये क्वेश्चन है वो बनने वाला है, या फिर दूसरा तरीका इसका क्या है कि इनके जो नंबरिंग है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे P के लिए 16, O के लिए 15, I 9, N 14, T 20, Q 17, P 16, 10, 15 और 21। ठीक है, तो अब आपको एक थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा। जैसे इसमें 16 है तो इधर क्या है 15, 16 और 17, तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि क्रॉस कोडिंग है वो जा रही है। अगर हम इस 16 को, इस वाले 16 को अगर चेंज करते हैं 17 के अंदर, तो कौन सी कोडिंग आती है आपकी, प्लस वन की कोडिंग आती है, प्लस वन की कोडिंग आती है। अगर इस 20 को हम इधर 21 में चेंज करते हैं तो कौन सी कोडिंग आती है आपकी, प्लस वन की कोडिंग आती है। यहाँ पे अगर 15 को अगर हम 16 के अंदर चेंज करते हैं तो ये इस प्रकार की कोडिंग आती है, यहाँ भी प्लस वन का कोड आपको मिल रहा है। अगर इस 14 को अगर 15 में चेंज करें तो यहाँ पे भी आपकी प्लस वन की कोडिंग आती है। और अब कौन सा बच गया, आपका बीच वाला बच गया जो डायरेक्ट है, आई का क्या हुआ है, जे हुआ है, यानी कि प्लस वन की कोडिंग आती है। तो जो कोड आया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्लस वन का कोडिंग आपको यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों आगे ये जो किस प्रकार से क्वेश्चन होगा, अब क्या पूछा गया है, आपका जो रॉयल है, रॉयल है उसका कोड आपसे पूछा गया है, जो रॉयल है उसका कोड आपसे पूछा गया है कि रॉयल का आखिरकार कोड क्या रहेगा। तो आपको क्या करना है, क्रॉस कोडिंग करना है और प्लस वन की कोडिंग उसमें ऐड करनी है। तो यहाँ पे अगर इनके नंबरिंग की बात करें, नंबरिंग एक बार डाल लेते हैं, अगर इनकी नंबरिंग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 18, 15, 25, 1 और 12। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर 18 की बात करें तो प्लस 1 के साथ में क्या हो जाएगा, 19, और 19 पे क्या आएगा आपका, एस आने वाला है। उसके बाद दोस्तों इधर एल की बात करें तो एल 12 के ऊपर आएगा, प्लस 1 की कोडिंग लगाएंगे तो एम 13 के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे ए की, तो ए का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वाई की बात करें तो वाई का क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और ओ की बात करें तो ओ का क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। तो ये जो कोडिंग है ये सारा प्लस वन के साथ में आपका आया है। तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे एम बी जेड पी और एस, एम बी जेड पी और एस, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन के लिए। इसमें क्या था दोस्तों करने के लिए, इसमें सिर्फ इतना दिया गया था कि दोस्तों अगर पॉइंट की कोडिंग यू ओ जे पी क्यू में की गई है तो आपको क्रॉस कोडिंग पहचाननी है। यहाँ पे आप देखिए प्लस वन की कोडिंग सभी में की गई है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें रॉयल की जो कोडिंग है वो पहचाननी है। तो रॉयल के लिए उसी प्रकार से हम कोड करेंगे और प्लस वन का कोडिंग भी इसमें ऐड करेंगे। तो अपना आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों बास्केट को क्या लिखा गया है, बास्केट को क्या लिखा गया है, तो यहां पे आप देखिए बास्केट को, बास्केट को क्या लिखा गया है, बास्केट को लिखा गया है बी सी एल टी यू एफ। बास्केट को क्या लिखा गया है, बी सी एल टी यू एफ। तो इसका कोडिंग आपको पहचानना है कि किस तरीके से इसमें आपका कोडिंग रहने वाला है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको एक कोडिंग का प्रकार बताया था कि अगर कोडिंग आपको इस तरीके से दी जाए, इस तरीके से, किस तरीके से दी जाए, इस तरीके से दी जाए, तो ये अक्सर इसमें भी चेंज हो सकता है और ये इस प्रकार की जो कोडिंग है वो भी इसमें लग सकती है। अब सेम कोडिंग है इस क्वेश्चन में आपको अप्लाई करनी है, तो ये आपको बताना है कि
एच ओ यू एस ई डी के लिए कोड क्या रहने वाला है। अगर इसको इधर चेंज करें दोस्तों तो प्लस वन की कोडिंग आ रही है, अगर इसको इधर चेंज करें तो प्लस वन की कोडिंग आ रही है, अगर एस के बाद के की बात के बाद एल की बात करें तो यहाँ भी प्लस वन की कोडिंग आ रही है, एस के बाद टी की बात करें तो दोस्तों यहाँ भी प्लस वन की कोडिंग आ रही है, अगर ई के बाद एफ की बात करें तो दोस्तों यहाँ भी प्लस वन की कोडिंग आ रही है, और टी के बाद अगर यू की बात करें तो दोस्तों यहाँ भी प्लस वन की कोडिंग आ रही है। ठीक है, तो सेम कोडिंग आपको किस में यूज करनी है? अब सेम कोडिंग आपको यूज करनी है एच ओ यू एस ई और डी में चेंज करना है, एस ओ यू एस ई डी में आपको चेंज करके बताना है कि ये जो कोड है वो किस प्रकार से इस कोडिंग के अनुसार लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे किस तरीके से इसको करेंगे, अगर एच की बात करें तो यहाँ चेंज होगा, ओ की बात करें तो यहाँ चेंज होगा, यू इस तरीके से, एस इस तरीके से, ई और डी। अब यहाँ पे कौन सी कोडिंग साथ में लगाएंगे? प्लस वन वाली कोडिंग साथ में लगाएंगे, क्योंकि एक अक्षर आगे जा रहा है। ओ की बात करें तो यहाँ पे पी आएगा, एच की बात करें तो यहाँ पे आई आ जाएगा, अगर एस की बात करें तो यहाँ पे टी आएगा, यू की बात करें तो यहाँ पे वी आएगा, और डी की बात करें तो यहाँ पे ई, और ई की बात करें तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। तो ये जो कोडिंग है वो आपकी क्या रहने वाली है? ये कोडिंग आपकी आएगी पी आई टी वी ई एफ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? पी आई टी वी ई एफ, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना जो चीज़ें मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ? ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और दोस्तों बिल्कुल मन लगा के पढ़िए, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके ड्राइवर में आने के लिए लायक होंगे, और जो कांस्टेबल वाले बच्चे इसे बैच को लेकर अपनी स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, यकीन मानना आपको कांस्टेबल के अंदर ये जो लेवल है ये आपका बेस तैयार करेगा और आपको एग्जाम तक लेकर जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तीसरे क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे इन सभी के एक बार नंबरिंग हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे सी के लिए 3, ओ के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ के लिए 15, 14, 7 और 15, 4, 18, 16, 26 और 18। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टी के लिए 20, 18, 5, 1 और 20। तो इसका कोड आपको बताना है किस तरीके से ये कोड रहेगा। अगर कोंगो को यहाँ पे आर जेड पी आर डी में चेंज किया जाता है तो ट्रीट को किस कोड में आपका चेंज किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था, यहाँ पे आपको मैं बता रहा था कि जो आपकी क्रॉस कोडिंग है उसको किस प्रकार से चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्रॉस कोडिंग है वो किस प्रकार से है आपकी, यहाँ पे जो क्रॉस कोडिंग है, मान लीजिए आपको 5 अक्षरों का कोई शब्द दिया गया है और इसमें आपको क्रॉस कोडिंग है वो आपको लगानी है, तो ये इस प्रकार की क्रॉस कोडिंग है जिसमें पहले दो को पहले दो में चेंज किया गया है, बीच वाला बिल्कुल सेम है और लास्ट के दो को लास्ट के दो में चेंज किया गया है। तो यहाँ पे इसका जो कोडिंग है वो एक बार देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। दोस्तों इसमें आप देखिए, अगर 15 को हम चेंज करें, किस में चेंज करें, आर के अंदर, तो यहाँ पे 18 हो जाता है, तो प्लस 3 का कोडिंग है वो हमें ये देता है। अगर सी को चेंज करें जेड के अंदर, तो देखो सी कितने पे आता है, 3 के ऊपर। अगर इसे हम -3 लेके जाएंगे तो -3 करा तो यहाँ पे 2 हो गया, फिर एक बार माइनस करा तो 1 हो गया, फिर एक बार माइनस करा तो यहाँ पे वापस 26 आ जाएगा, जेड आ जाएगा, क्योंकि 1 के बाद में वापस 26 रिपीट होता है और 26 के बाद में वापस से 1 रिपीट होने लग जाता है। तो यहाँ पे कोडिंग क्या आएगी आपकी, -3 आएगी। अगर C को -3 से चेंज करा तो आपका 26 आ जाएगा। N के ऊपर क्या है, 14, और P के ऊपर कितना है, 16। तो यहाँ पे जो कोड है वो क्या बनेगा, वो आपका +2 का कोड आपका बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार G को D में चेंज किया गया तो -3
तीन का कोड बनता है। और अगर ओ को किस में चेंज करा, आर में चेंज करा, तो यहाँ पे प्लस से तीन का कोड आपका बनता है। तो जो कोड बन रहा है उसको एक बार देख लीजिए, क्या आपका कोड बनता है, कोड आपका क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस थ्री है, ठीक है। सी को जब जेड में चेंज करा माइनस थ्री है, फिर आपका प्लस थ्री है, फिर आपका प्लस टू है, यहाँ पे आपका माइनस थ्री है और फिर आपका प्लस थ्री है। तो ये कोड है, ये बनकर आपके सामने आता है और इसी कोड के अनुसार आपको ट्रीट है उसको चेंज करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये सेम कोडिंग है वो इस क्वेश्चन में लगाई गई है और इसका जो कोड है माइनस थ्री प्लस थ्री प्लस टू माइनस थ्री प्लस थ्री, ठीक है। तो इसी के अनुसार इसको चेंज करना है। अब देखिए किस प्रकार से, आप सभी को पता है ये यहाँ पे चेंज होगा और ये यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है, ये यहाँ पे चेंज होगा और T आपका यहाँ पे चेंज होगा और E बिल्कुल आपका सीधा चेंज होगा। अगर इनकी नंबरिंग की बात करें, अगर T में हम कौन सा कोड लगाएंगे, माइनस थ्री का, अगर T में अगर माइनस थ्री का कोड लगाएंगे तो 17 पे आ जाएगा और 17 पे आपका क्या रहता है, ये आपका Q रहने वाला है। अगर 18 पे प्लस तीन का कोड हम करें तो 18 और 3 21 हो जाएगा और 21 पे अपना क्या आता है, U अपना आ जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर 5 पे प्लस 2 का कोड लगाएं, ये कोड कहाँ से आए, ये कोड दोस्तों यही कोड है जो हमें पहले इस इक्वेशन से पता लगे हैं और अब इसी को हम डायरेक्ट इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो प्लस 2 का कोड करें तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ G आने वाला है। उसके बाद A के ऊपर माइनस 3 का कोड लगेगा और जब देखें अगर माइनस 3 की बात करें दोस्तों तो ये किस में चला जाएगा, 1 है, अगर इसमें माइनस 1 करा तो ये 26 पे चला जाएगा, 26 में अगर माइनस 1 का कोड करा तो ये आपका 25 में चला जाएगा और एक बार अगर और माइनस 1 करा तो ये आपका 24 पर चला जाएगा। तो 24 पर अपना क्या आने वाला है, आपका x आने वाला है, 24 पर आपका क्या आने वाला है, x आने वाला है। और अगर 20 की बात करें प्लस 3 कोड के साथ में तो ये 23 हो जाएगा और 23 पे आपका क्या आएगा, w आपका आएगा। तो ये जो आंसर है ये क्या आ गया आपका, U Q G W X, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, जो भी बच्चा नोट करना चाहता है वो आप सभी नोट कर सकते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में अगर आ जाता है तो अच्छे अच्छों को ये हिला देता है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आपने काफ़ी सारे कर लिए हैं, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं उनको देख लीजिए। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसको आप देखिए किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं वो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे अगर इनकी नंबरिंग लिखना चाहें तो किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका एस 19 पे हो गया, पी 16 के ऊपर हो गया, आई 9, सी 3, ई 5, वाई 25, ठीक है दोस्तों। तो y किसके ऊपर, 25 के ऊपर, a 1 के ऊपर, u 21 के ऊपर, o 15, l 12 और e 5। नंबरिंग आपको याद है तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा, तो आपको सारा नंबरिंग है वो आपको याद रखना चाहिए, सारा नंबरिंग आपको याद रखना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल और जल्दी से आपका सोल्व हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको कोडिंग करके बताना है। देखो इसमें कितने अक्षर हैं दोस्तों, आपके 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 लेटर हैं। तो इसमें दो दो करके भी आपका कोड दिया जा सकता है, किस प्रकार से दिया जा सकता है, देखो मान लीजिए 6 अक्षर आपको दिए गए हैं, 6 अक्षर आपको दिए गए हैं, तो इसमें जो कोड है वो आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है, इस तरीके से भी आपको कोड दिया जा सकता है, या फिर दोबारा आपको 6 अक्षर मैं लेके दिखा देता हूँ किस प्रकार से कोड किया जा सकता है, किस प्रकार से कोड किया जा सकता है, इस प्रकार से भी आपका जो कोड है वो किया जा सकता है, इस प्रकार से आपका जो
तीन तीन के पेयर्स बना के आपका कोड किया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है इस वाले पैटर्न के ऊपर बेस है, इस वाले पैटर्न के ऊपर बेस है। तो यहाँ पे अगर बात करें S19 के ऊपर और यहाँ पे O15 के ऊपर बात करें, देखो ये किस तरीके से आपको पहचान में आएगा। सबसे पहली बात है रीजनिंग में आपकी प्रैक्टिस होना जरूरी है। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है तो आप क्वेश्चन को इजीली पहचान सकते हैं। उसके बाद अगर आप सारे कोडिंग और डिकोडिंग में अक्षरों का अगर नंबर डाल देते हैं तो नंबर से भी आपको जल्दी क्वेश्चंस है वो पकड़ में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब एस को ओ के अंदर चेंज किया गया तो प्लस 4 की कोडिंग यहाँ पे आ रही है, माइनस 4 की कोडिंग आपके यहाँ पे आ रही है। तो कितना कोडिंग होगा, माइनस 4 की कोडिंग रह जाएगी। उसके बाद अगर नो को चेंज किया गया ई के अंदर तो माइनस 4 की कोडिंग रह जाएगी, क्योंकि आई क्या होता है नो और ई क्या होता है 5। तो जब नो को 5 में चेंज करेंगे तो माइनस 4 का कोडिंग यहाँ पे रह जाएगा। उसके बाद में अगर 16 को चेंज करें एल के अंदर तो ये भी माइनस 4 का कोडिंग आपका रह जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर देखें, अगर 25 को हम चेंज करें 21 के अंदर तो माइनस 4 का कोडिंग आपका आएगा। अगर ई को हम चेंज करें ए के अंदर तो माइनस 4 का कोडिंग यहाँ पे आएगा, और अगर सी के लिए माइनस 4 करें तो यहाँ पे वाई पर चला जाएगा और माइनस 4 का कोडिंग आएगा। तो यहाँ पे जो कोड है वो क्या आया है आपका, माइनस 4 और ये आपका माइनस 4 और माइनस 4। इसमें जो कोडिंग लगा हुआ है वो आपका माइनस 4 का कोडिंग है। और इसी प्रकार से जो ये आगे का सिस्टम है उसको चेंज करेंगे, जो आपको ये वर्ड दिया गया है उसको हम चेंज करने वाले हैं। अब किस प्रकार से इसको चेंज करेंगे वो एक बार देख लीजिए। अगर हम इन तीनों वर्ड्स को यहाँ पे चेंज करें और इन तीनों वर्ड्स को यहाँ पे चेंज करें तो सभी में क्या कोड लगाएंगे, सभी में माइनस 4 का कोडिंग लगाएंगे। तो अब देख लीजिए, अगर 14 में माइनस 4 कम करते हैं तो आपका 10 आ जाता है, और 10 पे क्या आएगा आपका जे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर 15 में माइनस 4 करें तो आपका 11 आ जाता है, और 11 पे क्या आएगा अपना के आ जाएगा। उसके बाद 16 में अगर माइनस 4 करें तो आपका 12 आ जाएगा, और इसका 12 में क्या हो जाएगा एल आपका हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगर 18 को माइनस 4 से कोड करें तो आपका 14 आने वाला है, और 14 के ऊपर क्या आएगा दोस्तों एन आपका आ जाएगा। उसके बाद अगर 4 को माइनस 4 से कोड करें, देखो इसमें आपको लगा रहा होगा कि 4 को माइनस 4 से कोड करा तो 0 आना चाहिए, लेकिन 0 कुछ होता नहीं है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 26 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे 26 आपका आ जाएगा, और 26 पे क्या होता है दोस्तों जेड आपका हो जाता है। और अगर ई को माइनस 4 से कोड करा तो आपका ए आ जाएगा, यानी कि 1 आपका रहने वाला है। तो आपका जो कोड है वो दोस्तों क्या हो गया, कोड आपका हो गया जे के एल एन ए जेड, ये आपका कोड है वो आपका आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, जे के एल एन ए जेड, ये आप कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, इसे आप नोट कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। हर जो क्वेश्चन है वो आपका अलग ट्रिक पे है और अलग कॉन्सेप्ट उसमें यूज किया गया है। अगर गोल्ड को हम चेंज करते हैं CnQf में तो किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, अगर 7, 15, 12, 4, 6, 17, 14 और 3, ठीक है, वी के लिए 22, 9, 11 और 1, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको बताना है किस प्रकार से आपका चेंज होगा, यहाँ पे आपको बताना है किस प्रकार से आपका चेंज होगा। तो ये अगर 7 है तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 6 है, तो -1 की कोडिंग किसके साथ लगी है, जी के साथ में लगी है। अगर इधर बात करें दोस्तों 15 को 17 के ऊपर चेंज करें तो यहाँ पे कोड क्या बनेगा आपका, +2 का कोड आपका बन जाएगा, +2 का कोड आपका बन जाएगा। अगर L को 14 के अंदर कोड करें तो +2 का कोड आपका बन जाएगा,
प्लस दो का कोड आपका बन जाएगा। अगर दोस्तों डी को फिर से सी में चेंज करें तो यहाँ पे माइनस वन का कोड के साथ आपका चेंज होगा, क्योंकि डी कितने पे आता है, चार के ऊपर, और सी आपका कितने के ऊपर आता है, तीन के ऊपर। तो यहाँ जो कोड है वो आपका माइनस वन, प्लस टू और माइनस वन रहने वाला है, माइनस वन, प्लस टू और माइनस वन रहने वाला है। तो इसी प्रकार इस जो वर्ड है वीका को भी हम चेंज करने वाले हैं, कौन सा कोड लगाकर, सेम कोड लगाकर वीका को भी हम चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए वीका किस में चेंज होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर 22 है तो ये जो जी है लास्ट वाले में चेंज हुआ है, तो 22 को भी हम लास्ट वाले में चेंज करेंगे माइनस वन की कोडिंग के साथ में, माइनस वन की कोडिंग के साथ में ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 21 पे हमारा यू रहने वाला है, ये 21 के ऊपर हो जाएगा और 21 को हमारा यू रहने वाला है। अगर ए को चेंज करें माइनस वन के साथ में तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और 26 पे हमारा जेड रहने वाला है, 26 पे क्या रहेगा, जेड हमारा रहेगा। अगर उसके बाद दोस्तों अगर बात करें आई को प्लस दो के साथ कोड करेंगे, क्योंकि यहाँ दूसरा प्लस दो के साथ कोड हो रहा है और तीसरा भी प्लस दो के साथ कोड हो रहा है, तो आई को जब प्लस दो के साथ में कोड करेंगे, प्लस दो के साथ में, तो यहाँ पे 11 आएगा और वर्ड क्या आ जाएगा, आपका के आ जाएगा। और अगर K को जो 11 के ऊपर है अगर इसको प्लस 2 के साथ कोड किया जाए तो K किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, 13 के अंदर, और 13 के ऊपर क्या आएगा, अपना M अपना आने वाला है। तो ये जो कोड है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सारे जो क्वेश्चन हैं वो अलग अलग ट्रिक के माध्यम से या फिर अलग अलग कॉन्सेप्ट के माध्यम से करवा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अगर शब्द वही रहे लेकिन उसका क्रम है वो चेंज कर दिया जाए, किस तरीके से, यहाँ पर देखें, मान लीजिए ये आपका शब्द है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये आपका शब्द है, इसको किस तरीके से चेंज किया गया, इसको यहाँ, इसको यहाँ, तो बी ए डी सी और एफ ई, यानी कि ये इस तरीके से चेंज आपका हो गया। एक तरीका ये है जिस तरीके से इस वर्ड को हम चेंज कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, ए बी सी डी ई एफ, तो शुरू के जो तीन है उनको लेके चेंज कर सकते हैं सी बी ए, इसको इसमें, इसको इसमें और इसको इसमें, यहाँ पे डी एफ ई, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, तीन तीन के पेयर्स बना के इनको चेंज किया जा सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, एक और इसमें टाइप आता है वो किस तरीके से, वो मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ है आपका, छह अक्षर आप सभी को दिए गए हैं, तो ये किस प्रकार से चेंज होंगे, मान लीजिए शुरू के पांच अक्षर को चेंज कर दिया गया, किस तरीके से, ई डी सी बी ए और एफ को बिल्कुल सेम रख दिया गया, इनको आपस में चेंज कर दिया गया और एफ को बिल्कुल सेम रख दिया गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको समझनी है, ठीक है। तो आगे के पाँच छः क्वेश्चन इसी टाइप के ऊपर रहने वाले हैं। अब इसमें क्या बताया गया है, यहाँ पे आप देखें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि आपका जो बास्केट है, जो आपका बास्केट है उसको चेंज किस में किया गया है, टी ई के एस ए बी में चेंज किया गया है, टी ई के एस ए बी में चेंज किया गया है। तो इसको कोडिंग है वो किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं, इसका जो कोडिंग है दोस्तों यहाँ पे देखें, अगर हम इस दो वर्ड को यहाँ पे लाकर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे क्या है ई और टी, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका टी और ई हो गया। अगर हम इसको यहाँ और इसको यहाँ लेकर आते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे और इसको लास्ट में लेकर जाते हैं, तो इसी प्रकार से ये आपकी जो कोडिंग है वो किस प्रकार से हो गई वो आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे आपकी टी और ई, टी और ई, और यहाँ पे टी इधर आ गया और ई आपका इधर आ गया। तो इस प्रकार की जो क्रॉस कोडिंग है वो आपके इस वर्ड में लगाई गई है। अब आपके लिए पिल्लो की पी आई डबल एल ओ
W, इसके लिए आपको कोड बताना है। तो इसके इसमें क्या किया गया है, सेम वर्ड है लेकिन उनका जो क्रम है वो चेंज कर दिया गया है, सेम वर्ड है लेकिन इनका जो क्रम है वो आपका चेंज कर दिया गया है, इनका जो क्रम है वो आपका चेंज कर दिया गया है। तो ये आप आपका लिए क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये आपका WOLLIP। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, WOLLIP। तो इसको किस प्रकार से चेंज करना है वो आप देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल नया पैटर्न है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि इसमें किस प्रकार से चेंज किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें बताया गया है कि हम अगर मोमेंटम को किस में चेंज कर रहे हैं, ई एम ओ एम एन टी यू एम में चेंज कर रहे हैं। तो मोमेंटम को इस वर्ड में चेंज किया गया है, इस वर्ड में चेंज किया गया है। तो किस प्रकार से चेंज किया गया है वो आप देखिए, इसमें बताया गया है कि दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपका ई है, बाकी कहीं पे भी ई नहीं है, और इसमें आपका फर्स्ट लेटर है वो आपका ई है, यानी कि ई को इधर चेंज किया गया है डायरेक्ट, और इसका मतलब एम को यहाँ पे चेंज किया गया है, इस वाले एम को यहाँ चेंज किया गया है और इस वाले एम को यहाँ चेंज किया गया है। मतलब इस वर्ड में टोटल कितने अक्षर हैं, आपके 8 अक्षर हैं, जिसमें से चार चार के पेयर बना के उनको चेंज किया गया है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बाकी इसमें जो चार हैं लास्ट के उनको बिल्कुल सेम रखा गया है, एन का एन है, टी का टी है, यू का यू है और एम का एम है। तो यहाँ पे आप देखिए, केवल शुरू के चार वर्ड में यहाँ पे कोडिंग लगाया गया है, क्रॉस कोडिंग का उपयोग है, और बाकी चार वर्ड हैं वो आपके बिल्कुल सेम हैं। तो इसी प्रकार जो मैग्नेटिक है उसमें किस प्रकार से चेंज होगा, यहाँ पे आप देखिए, एम ए जी एन ई टी आई सी, मैग्नेटिक को आप किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, इसमें कितने वर्ड हैं दोस्तों, आपके चार, और चार 8 वर्ड हैं। इसका मतलब ये चारों तो आपके बिल्कुल सेम रहेंगे, ये चारों तो आपके बिल्कुल सेम रहेंगे, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी जो चार वर्ड हैं लास्ट के वो बिल्कुल सेम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर इसके आगे की बात करें तो ये इसमें इधर चेंज होगा, ये इसमें इधर चेंज होगा, ये यहाँ पे चेंज होगा और ये यहाँ पे चेंज होगा। तो आपका जो कोड है वो एक बार आप देख लीजिए, पूरा कोड क्या बनेगा, एन जी ए एम। तो किस में एन जी ए एम है, यहाँ पे देखिए, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो सकता है, एन जी ए एम बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आई टी आई सी, ई टी आई सी क्या है, ई टी आई सी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसमें क्या किया गया है, एक नई प्रकार की कोडिंग है कि इसमें शुरू के चार अक्षर हैं उसको बिल्कुल चेंज किया गया है क्रॉस कोडिंग के अनुसार, और जो लास्ट के चार अक्षर हैं उसको बिल्कुल सेम रखा है। उसके बाद जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यूट्यूब पे आप देख रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को क्या लिखा गया है, उसी प्रकार सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इसमें कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें ये हो सकता है कि जब हमें 12 अक्षरों का कोई वर्ड दिया गया है तो शुरू के 6 में और लास्ट के 6 में कोई भी कोडिंग है वो लगाई गई हो। तो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, आप देखिए, ये 6 को मैंने इधर कर दिया और 6 आपके उधर रह गए। तो 6 में क्या कोडिंग लग रही है, ये आपका यहाँ पे है, ये आपका यहाँ पे है, ये आपका यहाँ पे है, टी आपका यहाँ है, आर आपका यहाँ है और आई आपका यहाँ है। तो शुरू के जो 6 वर्ड हैं उसमें बिल्कुल क्रॉस कोडिंग की गई है, पहले को लास्ट में और लास्ट वाले को पहले में। उसके बाद इधर भी सेम है, पहला आपका लास्ट में गया है, लास्ट वाला पहले में आया है, सेकंड वाला सेकंड लास्ट में है और सेकंड लास्ट वाला सेकंड में है,
और इस प्रकार से भी बीच के जो दो हैं उनको चेंज किया गया है। तो इसी प्रकार आपका जो सब्स्टिट्यूशन है उसको किस में चेंज किया जाएगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6-6 के पेयर हम बना लेंगे और आपस में उनको चेंज करेंगे। एस आपका यहाँ पे आएगा, आई आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यू आपका यहाँ पे आएगा, टी आपका यहाँ पे आ जाएगा, बी आपका बी आपका कहाँ जाएगा, बी आपका यहाँ पे जाएगा, और एस आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो शुरू के जो 6 कोड हैं वो आप देख सकते हैं, अगले जो 6 कोड हैं वो यहाँ पे टी, यहाँ पे एन, अगर बात करें यू की, अगर बात करें ओ के बारे में, और यहाँ पे बात करें आई के बारे में, और यहाँ पे बात करें टी के बारे में, तो ये जो कंप्लीट कोड है वो आपका हो जाएगा आई टी एस बी यू एस एन ओ आई टी यू टी, ये आपका कोड है वो आपका चेंज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 10वें क्वेश्चन की अगर दोस्तों बात करें तो ह्यूमिडिटी को चेंज करना है और इसमें जो कोड लगाया गया है उसी तरीके से आपको प्रोक्सीमल को चेंज करना है। तो इसमें क्या कोड का यूज़ किया गया है वो आपको बताना है, क्या कोड का यूज़ किया गया है। मैंने आपको दोस्तों क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि आपके जो कोड हैं वो इस तरीके से भी, मान लीजिए आपके पास में ये कोड हैं, ये कोड हैं, तो इनको किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, इनको किस तरीके से दो दो के पेयर बना के इनको चेंज किया जा सकता है, दो दो के पेयर बना के इनको बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, दो दो के आपके पेयर बना के इनको चेंज किया गया है, दो दो के पेयर बना के इनको चेंज किया गया है, और लास्ट के जो दो हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पे देखिए जो लास्ट के दो हैं ये टी का टी है और ये वाई का वाई है, तो इनमें कोई भी चेंज नहीं है। शुरुआत के चेंज हैं लेकिन लास्ट में अगर आपके मान लीजिए दो और होते तो यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं है। तो ये जो कोडिंग है इस क्वेश्चन में आपके लिए अप्लाई की गई है। तो अगला जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं एक बार। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे पी को अगर इधर चेंज करें, पी इधर आर, यहाँ पे ओ, और यहाँ पे आपका एक्स, यहाँ पे दोस्तों आपका आई, और यहाँ पे दोस्तों आपका एम, और यहाँ ए का ए है और जेड का जेड है। तो इस प्रकार से आपके प्रोक्सीमल को है वो चेंज किया गया है। इसमें शुरुआत के तीन जो पेयर हैं जो दो दो से बनाए गए हैं उनको तो क्रॉस कोडिंग में चेंज किया गया है और लास्ट के दो अक्षरों को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है। उसी के अनुसार आपका जो प्रोक्सीमल है उसमें शुरू के तीन जो पेयर हैं उनको चेंज किया गया है और लास्ट के जो दो पेयर हैं, एक पेयर है उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है। तो नोट कर लीजिए जिसको भी नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बनाना आपके लिए इजी नहीं है। देखो अगर आप क्वेश्चन को केवल रटने बैठोगे तो रीजनिंग आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप इसे समझ के करोगे तो आपके 100% सभी क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे हम देखें तो मैन्युफैक्चर है, इसको किस प्रकार से चेंज किया गया है, तो यहाँ भी इसको सेम कोडिंग आपकी लगाई गई है, सेम कोडिंग आपकी लगाई गई है, लेकिन जो कोडिंग है यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में है। देखो मैं कलर का चेंज कर लेता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे N को यहाँ चेंज किया गया है, F को यहाँ चेंज किया गया है, और U को यहाँ चेंज किया गया है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे F को, A को यहाँ, U को यहाँ, T को यहाँ, और C को यहाँ पे चेंज किया गया, और लास्ट के जो दो हैं वो बिल्कुल सेम रखे गए। इसमें क्या, शुरुआत के दो को क्रॉस कोडिंग के अनुसार चेंज किया गया, फिर आगे बढ़ाकर तीन को एक साथ क्रॉस कोडिंग में चेंज किया गया, फिर आगे बढ़ाकर चार को एक साथ क्रॉस कोडिंग में चेंज किया गया है, और जो लास्ट के दो हैं वो आपके बिल्कुल सही रहे, ऐसे कैसे बिल्कुल सेम रहने वाले हैं।
अब इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको चेंज करना है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको चेंज किया जा सकता है। इसमें भी क्या करेंगे, शुरुआत के जो दो हैं इनको बिल्कुल आपस में चेंज करेंगे, उसके आगे के जो तीन वर्ड हैं उसको आपस में चेंज करेंगे, और उसके आगे के जो चार वर्ड हैं उसको आपस में चेंज करेंगे, और जो लास्ट के दो हैं वो बिल्कुल आपके सेम रहने वाले हैं, सेम आपके रहने वाले हैं। तो यहाँ पे चेंज करिए, किस तरीके से चेंज होगा, अगर ई को इधर और एल को इधर चेंज किया जाए तो पहले दो अक्षरों को चेंज कर दिया हमने। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद अगर टी में चेंज किया जाए, अगर ई को इधर चेंज किया जाए और सी को अगर इधर चेंज किया जाए, तो बाद शुरुआत में दो को किया, अब तीन को कर रहे हैं, और आगे कितने को करेंगे, आगे हम चार को करने वाले हैं। तो आई एन ओ आर, इधर आई को चेंज किया, इधर एन को किया, इधर ओ को और इधर आर को। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, पहले दो की कोडिंग है, फिर तीन की कोडिंग है, फिर चार की कोडिंग है, और फिर आपके जो दो हैं वो बिल्कुल सेम है। इधर भी क्या करा हमने, पहले दो को चेंज करा, फिर हम तीन को चेंज करेंगे, फिर चार को चेंज कर रहे हैं, और फिर लास्ट के दो को बिल्कुल सेम रख रहे हैं। तो जिस भी बच्चे को ये जो कोडिंग है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, किसी भी टीचर के द्वारा ये YouTube पे नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, याद रखना YouTube पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये आपने पहली बार ऐसी कोडिंग है वो देखी होगी। उस प्रकार इसी प्रकार दोस्तों, एक आपके पास में जो ये वर्ड दिया गया है, इसको बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले ये अक्षरों की गिनती कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी कि 12 अक्षरों का एक वर्ड हमें दिया गया है। और इसमें क्या किया गया है, इसमें दोस्तों दो दो के पेयर बनाए गए हैं, दो दो के पेयर बनाए गए हैं, दो दो के पेयर बनाए गए हैं, ठीक है, दो दो के पेयर बनाए गए हैं, और इन पेयर्स के ऊपर मैं एक जो नंबरिंग है वो इनको दे देता हूँ, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच नंबर और छः नंबर, क्योंकि एसएससी का पेपर है और जो रीजनिंग के सवाल हैं वो काफ़ी बार अच्छे लेवल के एसएससी पूछ लेता है। तो यहाँ पे इनमें भी जो कोड बनाया गया है, इसके भी दो दो के जो पेयर हैं वो हम बना लेंगे, दो दो के पेयर हम बना लेंगे। और यहाँ पे अब देखिए, ऊपर के जो पेयर हैं, जैसे ई ए आपका है, तो इसमें दो नंबर वाला ई ए है, यानी कि दो को पहले कोड किया गया है, फिर आपका ओ यू है, बिल्कुल ओ यू है, यानी कि पाँच नंबर को दो के बाद में लाया गया है, उसके बाद आपका एच आर है, तो एच आर आपका फोर नंबर पे है, यहाँ पे आप देखें, उसके बाद बी आर है, तो पहले वाले को बी आर में चेंज किया गया है, यानी कि ये जो पेयर्स हैं उसको डायरेक्ट जोड़ों के रूप में उठा के यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद जी एच है, तो सिक्स नंबर का जो पेयर है उसको लाया गया है, उसके बाद के टी है, यानी कि थ्री नंबर का जो पेयर है वो आपके लिए यहाँ पर लाया गया है। तो इसी प्रकार हम डिस्ट्रीब्यूशन है उसको चेंज करेंगे, और इसी प्रकार हम जोड़े बनाएंगे, पेयर इसके बनाएंगे कि किस प्रकार से इसके पेयर बनेंगे, और ये जो क्रम है कौन सा, 2, 5, 4, 1, 6, 3, इसको सेम इसी क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, दो दो के सबके पेयर बना दो, सबके पेयर हम बना देंगे, सबके पेयर हम बना देंगे, इनके ऊपर जो नंबरिंग है वो हम लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, छह जोड़े हमारे ये इस प्रकार से बन जाते हैं, छह जोड़े हमारे इस प्रकार से बन जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो क्रम है वो किस प्रकार से लिखेंगे, हमारे आंसर वाले पेयर के अनुसार लिखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा जोड़ा आएगा, हमारा दो नंबर का जोड़ा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा जोड़ा आएगा, हमारे पाँच नंबर का जोड़ा आएगा, फिर आपका चार नंबर का जोड़ा आएगा, फिर आपका एक नंबर का जोड़ा आएगा, फिर आपका छः नंबर आएगा, और फिर आपका तीन नंबर आएगा। तो जो सारे जोड़े हैं उनके क्रम है वो आप लिख दीजिए, दो नंबर का जोड़ा आपका एस टी बनेगा, पाँच नंबर का जोड़ा आपका टी आई बनेगा, उसके बाद आपका चार नंबर का जोड़ा बी यू बनेगा, उसके बाद एक नंबर का जोड़ा आपका डी आई बनेगा,
उसके बाद दोस्तों 6 नंबर का जो जोड़ा है वो आपका ओ एन बनेगा और 3 नंबर का जोड़ा है वो आपका आर आई बनेगा। तो इस प्रकार से ये जो कोड है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आप सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो यकीन मानिए आपका कोई भी टाइप है वो नहीं रहेगा। लेकिन हम इसी तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अपोजिट लेटर आपके आते हैं। अपोजिट लेटर क्या होते हैं? जो मैंने आपको बताया कि कोई भी आपका जो अक्षर है उसका अपोजिट लेटर क्या होगा, आपका वही अक्षर होगा अगर दोनों का जो नंबरिंग है उनका योग आपका 27 बनता है। दोनों का जो नंबरिंग है उसका योग आपका कितना बनता है? 27 बनता है। अगर दो अक्षर जिनका योग 27 बनता है दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। दो अक्षर जिनका योग एक दूसरे के, अगर दो अक्षर एक दूसरे के विपरीत हैं तो उनका जो कर्म का योग है वो हमेशा कितना बनेगा? 27 आपका बनेगा। वो कितना बनेगा आपका? 27 आपका बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपोजिट जो लेटर है उसको एक बार देख लें। दो तीन है वो मैं आपको याद करवा देता हूँ। अगर अपोजिट लेटर की बात करें, अगर अपोजिट लेटर की बात करें तो ए का विपरीत क्या होगा? जेड हो जाएगा। के का विपरीत यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। डब्ल्यू का विपरीत क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक्स का विपरीत आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पी का विपरीत आपका क्या हो जाएगा? पी का विपरीत आपका के हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों एस का विपरीत आपका एच हो जाएगा। अगर टी की बात करें तो जी हो जाएगा। अगर सी की बात करें तो एक्स हो जाएगा। अगर एच की बात करें तो आपका एस हो जाएगा। अगर उसके बाद ए की बात करें तो आपका जेड हो जाएगा। अगर हम डी की बात करें तो डब्ल्यू हो जाएगा। अगर हम यू की बात करें तो एफ हो जाएगा। अगर हम ई की बात करें तो अपना वी हो जाएगा। अगर हम दोस्तों Y की बात करें तो हमारा B हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सारे जो अपोजिट लेटर हैं अगर दोस्तों आपको याद है तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपके अपोजिट लेटर हैं वो आते हैं और इसमें भी आपका जो क्रॉस कोडिंग है वो भी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड आपने देखा होगा के आई एन जी, किंग को चेंज किया गया है पी आर एम टी के अंदर। तो आपका ये किस प्रकार की कोडिंग है? यहाँ पे आपको देखते ही पता लग रहा होगा कि ये जो आपकी कोडिंग है वो आपकी अपोजिट कोडिंग है। ये आपकी जो कोडिंग है वो आपकी अपोजिट कोडिंग है। किस तरीके से? के की बात करें तो ये यहाँ पे के पी बनाता है, और आई की बात करें तो इंडिया राजस्थान, मोहन एम ए एन और जी टी रोड, ये सारे वर्ड हैं वो आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इसी प्रकार हमें यहाँ पे देखना है, क्या देखना है? आर का जो विपरीत है वो दोस्तों आपका आई आ जाएगा। कैसे? इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। ए का जो विपरीत है वो आपका जेड आ जाएगा, ए टू जेड। आई का जो विपरीत है वो आपका वापस आर आ जाएगा, इंडियन रेलवे। और एल का जो विपरीत है वो दोस्तों ओ आ जाएगा, लव, एल ओ लव। तो आपका जो राइट आंसर है वो इस क्वेश्चन का ये कोड हो जाएगा, आई जेड आर ओ, आई जेड आर ओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है। अगर गोल्ड को वी डब्ल्यू ओ एल टी लिखा जाए तो वीका को क्या लिखा जाएगा? अगर गोल्ड को डब्ल्यू ओ एल टी लिखा जाए तो वीका को क्या लिखा जाएगा? तो ये आपको बताना है वीका का जो कोड है वो आपका क्या रहने वाला है। तो वीका का जो कोड है वो आपका क्या रहने वाला है? देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो जी है, सॉरी, जो आपका जी है वो किस में चेंज हो रहा है? जो आपका जी है वो यहाँ पे क्रॉस कोडिंग के अनुसार टी में चेंज हो रहा है। और जी और टी आपस में क्या है दोस्तों? विपरीत होते हैं। अगर डब्ल्यू की बात करें तो यहाँ डी में चेंज होता है, और तो डी में किस में, डी किस में चेंज होगा? डब्ल्यू में चेंज होगा। अगर ओ की बात करें तो यहाँ एल में चेंज होता है, और एल की बात करें तो यहाँ ओ में चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार आपका जो ई है वो आप, वी है वो आपका ई में चेंज होगा। ए आपका किस में चेंज होगा? जेड के अंदर चेंज होगा। के आपका किस में चेंज होगा? पी के अंदर चेंज होगा। और आई आपका
आर के अंदर चेंज होगा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से पिंक को अगर आर के पी एम में लिखा जाए तो ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा, तो ये आपको बताना है कि किस प्रकार से आप इसे आपस में चेंज कर सकते हैं। तो इसका जो क्रॉस कोडिंग है वो किस प्रकार से लग रहा है, अगर हम आई को चेंज करें तो आर में हो जाएगा, अगर हम पी को चेंज करें तो के अंदर हो जाएगा। इंडियन रेलवे और पी के जो फिल्म का नाम था, अगर एन का उल्टा देखें तो एम हो जाएगा और अगर के का उल्टा देखें तो आपका पी हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, उल्टे क्रम में यानी कि अपोजिट लेटर के लिए आपका क्रॉस कोडिंग है। उसके बाद दोस्तों इसी प्रकार ऑरेंज का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें ऑरेंज में क्या होगा, देखो दो दो अक्षरों को लेकर यहाँ पे कोडिंग लगाई गई है, तो ऑरेंज में 6 अक्षर है तो यहाँ पे भी दो दो अक्षरों को लेकर कोडिंग हम लगाएंगे, दो दो अक्षरों को लेकर हम कोडिंग लगाएंगे। तो अगर ओ की बात करें तो आपका एल आ जाएगा, आर की बात करें तो यहाँ पे आई आ जाएगा, एन की बात करें तो एम आ जाएगा, ए की बात करें तो यहाँ पे जेड आ जाएगा, और जी की बात करें तो दोस्तों टी आएगा, और ई की बात करें तो दोस्तों आपका वी आ जाएगा। तो ये आपके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो इनके अपोजिट लेटर हैं वो दो दो के पेयर में लिखे गए हैं, जो अपोजिट लेटर हैं वो आपके दो दो के पेयर में लिखे गए हैं। अगले क्वेश्चन की एंड लास्ट क्वेश्चन की अगर दोस्तों बात करें, यदि रमन को क्या लिखा गया है, एम जेड आई लिखा जाता है, तो फिर सोहन को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी देना चाहता था, लेकिन यहीं पे एक बार सोल्व कर लेते हैं किस तरीके से होगा। अगर बात करें दोस्तों रमन की, रमन की बात करते हैं, तो इसको चेंज किया गया है एम जेड और आई के अंदर, एम जेड और आई के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे किस प्रकार से इसको चेंज किया गया है, अगर हम आर का उल्टा देखें तो वो आपका आई में जाकर चेंज होता है, ठीक है दोस्तों, इंडियन रेलवे। अगर एन का उल्टा हम देखें तो वो आपका एम में जाकर चेंज होता है। अगर यहाँ पे ए की बात करें तो बिल्कुल जेड में चेंज होगा, अगर ए की बात करें तो बिल्कुल जेड में चेंज होगा, और एम को बिल्कुल सेम यहाँ पे रखा गया है, मतलब इसमें पहले वाले को लास्ट वाले में, लास्ट वाले को पहले वाले में, और जो बीच के तीन थे उन्हें बिल्कुल सीधा चेंज किया गया है। कई बच्चे इसमें क्या करेंगे, इस ए को इस जेड के साथ भी क्रॉस कर सकते हैं और इस ए को इस जेड के साथ भी क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन इसका जो कोडिंग है वो अलग है, इसलिए मैंने आपको ये करवाया है, बिल्कुल सेम इसमें दिया गया है। तो अब सोहन को चेंज करना है। अगर एन की इधर बात करें तो दोस्तों एम के अंदर चेंज होगा, अगर एच की बात करें तो दोस्तों एच के अंदर ये चेंज हो जाएगा, अगर ओ की बात करें तो डायरेक्ट होगा क्योंकि दूसरे नंबर का बिल्कुल डायरेक्ट चेंज है, अगर ओ की बात करें तो एल के अंदर चेंज होगा, अगर ए की बात करें डायरेक्ट तो वो आपका जेड के अंदर चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ पे एच को बिल्कुल सेम रखा गया है, बीच वाले में कोई भी नो चेंज, आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको हम आगे भी करवाते रहेंगे, और बिल्कुल शानदार जो चीज़ आपको YouTube पे नहीं मिलेगी वो चीज़ आपके लिए छांट के लेके आएंगे। तो आशा करता हूँ ये जो क्लास है आपको पसंद आई होगी, जो बच्चे जिन्होंने बैच परचेज कर रखा है वो इन सभी क्वेश्चंस के अपने नोट्स बना के चलो, और यकीन मानना जिस दिन आपका कोर्स ख़त्म होगा आपको एक भी क्वेश्चन अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इन्हीं का आप 5 से 6 बार रिविज़न कर दो, ताकि जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।